नमस्कार, मैं अजय कुमार। योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर एक लेख लिखा है। लेख का शीर्षक है, आरक्षण के आग में सुलगता भारत। स्कूल कॉलेज या ना समझ विद्यार्थी ऐसी बात करे या चौक चौराहे पर इस तरह की बातें हों तो बात समझ में आती है, मगर यह बात देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री करे तो बात बहुत खतरनाक हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि लेख बहुत जल्दीबाजी में लिखा गया लगता है, बल्कि अगर आप उस पूरे लेख को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी चिंतन क्षमता लगा करके, अपनी पूरी सोचने समझने की क्षमता लगा करके आरक्षण की व्यवस्था को देश में आग लगाने वाली व्यवस्था की तरह साबित करने की कोशिश की है। मगर योगी आदित्यनाथ की समझ से आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुलेआम मुस्लिम नफरत के भाषण देता हो, वह व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात समझता होगा, यह कैसे मुमकिन है? जो व्यक्ति खुलेआम सांप्रदायिकता फैलाता हो, वह आरक्षण जैसी व्यवस्था को समझे, यह थोड़ा मुश्किल बात लगती है। वह व्यक्ति संविधान में दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को आत्मसात कर पाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी भाषण में घूम घूम कर झूठी बात फैला रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह एससी एसटी कोटे को मिल रहा आरक्षण मुसलमानों को बांट देगी, जबकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा का एक मुख्यमंत्री अपने पूरे विचार से आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहा है। तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलेगा? नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? आप समझ ही सकते हैं। आरक्षण की आग में सुलगता भारत नाम से योगी आदित्यनाथ के लिखे विचारों का खुलासा कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने अपने एक्स पर किया, मतलब ट्विटर अकाउंट पर किया। एक्स पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरूरी हिस्से को थोड़ा आप भी सुनिए। नमस्कार, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वेबसाइट। ये है, लिंक है yogiadityanath.in और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं योगी जी के काम के बारे में, योगी जी के सोच के बारे में, योगी जी के लेख के बारे में। और यहाँ लिखा हुआ है लेख, तो हम लेख में जाते हैं तो बहुत सारे लेख यहाँ शामिल किए गए हैं। एक लेख है, 25 नंबर का लेख है, अगर आप देखें इसका शीर्षक क्या है। इसका ये शीर्षक है, आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस दो पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। ऐसे शब्द, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, और कहते हैं विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, और कहते हैं आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वीडियो को देखकर सोचिए कि अब तक मुख्य धारा के मीडिया ने इस वीडियो पर बवाल क्यों नहीं खड़ा किया। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से लेकर के योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं पूछे गए? अब जरा यह भी सोचिए कि सैम पित्रोदा को याद करते हुए सोचिए कि सैम पित्रोदा की बातों पर कितना बड़ा बवाल मचाया गया था, जबकि सैम पित्रोदा ना ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़े नाम। मीडिया वालों ने सैम पित्रोदा की बातों को तोड़ मरोड़ कर घंटों डिबेट किया। उनकी इनहेरिटेंस टैक्स की बातों को तो नरेंद्र मोदी ने अपनी बेईमानी के हिसाब से इस तरह से तोड़ा कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसा शानदार सुझाव कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाने में तब्दील कर दिया गया, चुनाव का मुद्दा बना दिया गया। मोदी अनर्गल बोलने लगे कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस ले लेगी, औरतों की मंगलसूत्र छीन लेगी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण को लेकर के अपनी नफरत को बोलकर नहीं बल्कि लिख करके अपनी वेबसाइट पर दर्ज किया है। इस पर कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है। मीडिया का यही वह चरित्र है जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि उसका एक काम विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना है, उसकी आवाज को इस तरह से बंद कर देना है कि लगे ही ना कि इस देश में विपक्ष जैसी कोई आवाज भी है। अब थोड़ा उन बातों पर गौर करते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण की आग से सुलगता भारत नाम के लेख में लिखी है। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। मतलब योगी आदित्यनाथ की चिंतन क्षमता यह चिंतन करते हुए बता रही है
कि आरक्षण की व्यवस्था समाज और किसी जाति को निकम्मा बना देने वाली व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ के लेख में सबसे शुरू में लिखी गई यह लाइन बताती है कि योगी आदित्यनाथ ने समाज में मौजूद गैर बराबरी पर ना तो कभी सोचा है और ना ही उनके मन में किसी तरह का ऐसा भाव पैदा हुआ है जो समाज में मौजूद सबसे गहरी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए पनपती है। यह बुनियादी तौर पर स्थापित बात है, एक तरह से समझिए तो तथ्य है कि भारतीय समाज में पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण ऐतिहासिक तौर पर मौजूद जाति प्रथा की मौजूदगी है। योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहा जाए तो हिंदू समाज निकम्मा समाज इसीलिए बन गया क्योंकि ज्ञान निर्माण का, नॉलेज क्रिएशन का सारा कामकाज ब्राह्मण जाति ने अपने पास रख लिया। इसके अलावा बहुत बड़ी आबादी जो जन्म लेते ही नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र से दूर हो गई, किसी ने बढ़ई का काम किया तो किसी ने लोहार का काम किया, किसी के हिस्से में जन्म लेते ही बाल काटने का काम आया तो किसी के हिस्से में शरीर से निकलने वाली गंदगी साफ करने का, बहुत बड़ी आबादी अछूत बना दी गई। हजारों साल से चली इस व्यवस्था का असर इतना गहरा हुआ है कि कई पैमाने पर भारत के दलितों, पिछड़ों, औरतों, आदिवासियों से बनने वाली भारत की 70% से ज़्यादा आबादी बहुत ही ज़्यादा पीछे खड़ी है। भाजपा और योगी आदित्यनाथ तो जाति जनगणना करवाएंगे नहीं, बिहार में जाति जनगणना हुआ है और बिहार की जाति जनगणना से निकलकर जो आंकड़े आए हैं वह बता रहे हैं कि बिहार में बैकवर्ड क्लास की आबादी 27% है, मगर इस आबादी में 50,000 रुपये महीना से ज़्यादा कमाने वाले लोगों की आबादी महज 4% है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आबादी 36% है, मगर इस वर्ग में 50,000 महीने से ज़्यादा कमाने वाले लोगों की आबादी महज 2% है। जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, जो EBC के वर्ग में आते हैं, उनकी आबादी महज 0.81% है। तो इस आधार पर कई ऐसे आंकड़े दिए जा सकते हैं जो भारत में जाति प्रथा की मौजूदगी के सबसे बुरे असर को बताते हैं। इस तरह के गैर बराबरी वाले समाज में किसी भी सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह समाज में मौजूद गैर बराबरी को खत्म करने की सबसे ठोस योजना बनाएगी। इसीलिए जब भारत का संविधान बना था तो उसमें आरक्षण की संकल्पना विकसित हुई थी, और जो सरकार की संकल्पना विकसित होती है वह इसीलिए विकसित होती है कि जो सबसे दबे कुचले वर्ग हैं उनके हक को ना मारा जा सके, सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं। योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि आरक्षण का मतलब बिना कर्म की सुविधा प्रदान करना नहीं है, बल्कि जिन्हें हजारों साल से रेस में पीछे रखा गया है उन्हें वैसी जमीन उपलब्ध कराना है ताकि वह भी कम से कम उनके बराबर खड़ा हो पाएं जो हजारों साल से बहुत आगे खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण केवल शैक्षणिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में मिलता है, कुल नौकरियों में जो केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों की हिस्सेदारी है वह मुश्किल से 8% भी नहीं है। यानी बहुत बड़ी आबादी जो नौकरी की है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, उसे किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता है। उसके साथ बहुत लंबे समय से भेदभाव होते आ रहा है, जारी है और पता नहीं कब तक जारी होगा। अपने लेख की आगे की लाइनों में योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आज़ादी के बाद इस देश और इसके समाज को स्वावलंबी बनने की बजाय अधिकाधिक संकीर्ण और अकर्मण्य अवश्य बनाया है। मतलब योगी आदित्यनाथ आरक्षण की व्यवस्था करने वालों को विभाजनकारी राजनीति की संज्ञा दे रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीति को, उनकी बातों को, उनके विचारों को विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। जिन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की वजह से दलित, अति पिछड़े और पिछड़ों की भागीदारी पहले के मुकाबले बहुत थोड़ी बहुत आगे बढ़ी है, उन राजनीतिक आंदोलनों को विभाजनकारी बता रहे हैं। जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उनकी राजनीति को विभाजनकारी राजनीति बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख में एक जगह लिखा है कि जब आरक्षण के साथ राजनीति ही जुड़ गई है, और जब भी किसी अच्छे मकसद के साथ राजनीति जुड़ेगी तो उसका बंटाधार होना तय है। यह एक बात बताती है कि योगी आदित्यनाथ को राजनीति का अर्थ भी नहीं पता है। वह खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, खुद राजनीति करते हैं और लिख रहे हैं
कि जब भी किसी चीज से राजनीति जुड़ जाती है तो उसका बंटाधार हो जाता है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राजनीति करने वाले राजनीति की नीति को नहीं जानते हैं, उस नीति को स्वीकार तक नहीं करते हैं। दुनिया का अब तक का इतिहास बताता है कि बराबरी, आज़ादी, न्याय की कोई भी लड़ाई बिना राजनीति किए हुए नहीं लड़ी जा सकती है। भारत में अगर निचली जातियों की तरफ से अगर राजनीति नहीं की जाती तो अब भी भारत की पूरी सत्ता संरचना ऊंची जातियों की तरफ झुकी होती, ऊंची जातियों के गिरफ्त में होती। दरअसल सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार के प्रतिनिधि हैं, वह विचार समाज में मौजूद गहरे अन्याय को खत्म करना अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं मानती है। इनकी राजनीति को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता है कि सत्ता के सबसे ऊंचे पदों पर किन वर्गों का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है और किन वर्गों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं है। इनकी राजनीति को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के नाम पर समाज में सामाजिक अन्याय किया जाए। इसलिए भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और तमाम दक्षिणपंथी नेताओं को राजनीति करते हुए जब कोई अपना न्यायपूर्ण हक मांगता है तो उन नेताओं को लगता है, वह कहने लगते हैं कि राजनीति एक बुरी चीज है। जब कोई दलित अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उनको लगता है कि समाज में विभाजन की दरार डाली जा रही है। इन दरारों के आधार पर ही वह अपनी राजनीति का रास्ता बनाते हैं। जातिगत जनगणना पर जो उनका कुतर्क है वह यह है कि इससे समाज में दरार पड़ेगा, जबकि वह यह नहीं देखते हैं कि अगर राजनीति नहीं होगी, न्यायपूर्ण हक के लिए लड़ाई नहीं होगी तो जो समाज में मौजूद बीमारियां हैं वह समाज के भीतर ही भीतर रहेंगी और उसे लगातार बर्बाद करते रहेंगी, उसमें किसी तरह का सुधार नहीं होगा। समाज और संस्कृति विश्लेषक प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव योगी आदित्यनाथ के पूरे पर्चे के निचोड़ पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पर्चे का जो निष्कर्ष है, जो अंतिम लाइन है, वहां पर लिखा गया है कि प्रतिभा के अनुकूल सम्मान, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि प्रतिभा जन्मजात होती है या सामाजिक परिस्थितियों की देन। यह मेरिटोक्रेसी कहलाता है, माने प्रतिभा को जन्मजात मानना। किसी भी शिक्षा शास्त्री से पूछिए, जो सचमुच का शिक्षा शास्त्री है वह प्रतिभा को सामाजिक परिस्थितियों की देन ही बताएगा। संविधान अंगीकार किए जाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने सवाल उठाया था कि हर व्यक्ति को एक वोट के समान अधिकार के आधार पर हासिल की गई राजनीतिक समता समाज के धरातल पर समता में कब बदलेगी? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम समता को कब तक टुकराते रहेंगे? अगर हमने लंबे अरसे तक समता को अस्वीकार करना जारी रखा तो इसका नतीजा हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के संकटग्रस्त होने में ही निकलेगा। राजनीतिक जानकार अभय कुमार दुबे अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के सवालों का जवाब देने में आरक्षण की नीति ने उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिका निभाई है और आरक्षण की नीति उन वजहों में से एक है जिसके कारण हमारा राजनीतिक लोकतंत्र कई तरह के अंदेशों से बच निकला है। आरक्षण की नीति के कारण ही भारतीय समाज की अंतर्विरोध का काफी हद तक शांतिपूर्ण हल धीरे धीरे हो पाया है। आरक्षण से संबंधित विवादों के कारण जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई है उसे हमें गनीमत मानना चाहिए, वरना हमारा समाज जिस तरह की ऊंच नीच छुआछूत से ग्रस्त था उसमें आधुनिकता के कारण पैदा हुआ समतामूलक दबाव से बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा की नौबत आ सकती थी। मगर आरक्षण की नीति ने इस समाज को बहुत बड़े स्तर पर बचा लिया है। कहने का मतलब यह है कि आरक्षण की आग में भारत सुलग नहीं रहा है, बल्कि भारत का गैर बराबरी वाला समाज बराबरी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आरक्षण की व्यवस्था ना हो तो भारत के भीतर मौजूद गैर बराबरी भारत में अब तक न जाने कितनी बार बड़ी बड़ी आगे लगा चुकी होती। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।